everyone. Today I have some important question answers of second chapter, electric field. So let's start. First question is electric dipole moment. ये question last 10 years में बहुत बार repeat हो रहा है exams में. So basically मतलब ऐसा हो जाता है कि electric dipole भी आ सकता है आपको, dipole moment आ सकता है, इसके units के साथ related आ सकता है. तो in short कि आपको इस चीज के बारे में सारा कुछ clear होना चाहिए. Okay? So electric dipole moment के लिए आपको पहले electric dipole पता होना चाहिए. Dipole इसके नेम से ही पता चलता है कि इसकी डेफिनेशन में किसकी बात हो रही है, दो पोल्स की बात हो रही है. डाई स्टैंड्स फॉर टू एंड पोल स्टैंड्स फॉर कोई भी टू पॉइंट्स. ओके, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस. इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. ओके, तो हम इसको यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो चार्जेस जिनका इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड है एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस टू ए, तो ये चीज को होगी डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल. ओके, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट. तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या चीज होती है, कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्ज, कोई भी चार्ज ले सकते हो आप. ओके, आइदर ऑफ चार्ज एंड देयर सेपरेशन, जो उनका डिस्टेंस है, देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. तो ये चीज q into 2a, इट मींस इसको हम डिनोट किसके साथ करेंगे, p के साथ. इट मींस कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज नोटेड बाय पॉइंट p एंड इट्स मैथमेटिकल फार्मूला इज q into 2a. इट कैन बी 2d आल्सो, 2r आल्सो, व्हाटएवर यू आर, व्हाटएवर डिस्टेंस यू आर टेकिंग हियर. ओके, एंड ये जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है. राइट, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर. ये एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टी के अंदर आता है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसके अंदर यहाँ पे इसके कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की. तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. तो वहां पे जो ये प्रॉपर्टी है, इसका एक रीजन है जो एक मतलब स्पेशल अपना वो रखता है. तो ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है आपको कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती. सो सेकंड क्वेश्चन का हम रीजन यहाँ पे क्या देंगे, कि अगर देखो कोई भी दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाती हैं, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, सपोज दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सपोज आई एम टेकिंग पी पॉइंट, तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर हमारे पास दो डायरेक्शंस हो जाएंगी. एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन, अगर वहां पे दो टेंजेंट्स आएंगे तो देयर विल बी टू डायरेक्शंस एट अ सिंगल पॉइंट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. सो ये बेसिक सा रीजन है इस चीज का कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर या क्रॉस ईच अदर. उसका ये आप सिंपल से रीजन लिखोगे, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस, और आप लिख सकते हो देयर विल बी टू टेंजेंट्स, so there will be two directions at the same point which is not possible or which is impossible. okay, उसके बाद है properties of field lines. तो ये तो आप मतलब इसकी बहुत सारी properties होती हैं. एक तो आप यही लिख सकते हो कि two field lines cannot intersect each other. एक हो सकती है कि they are continuous curves, ठीक है, continuous होती हैं ये. they contract longitudinally, ये भी लिख सकते हो आप. उसके बाद और भी बहुत सी properties होती हैं. Field lines are normal to the surface of the conductor, ठीक है? So ऐसी बहुत सी properties हैं. जब आप इन field lines को study करोगे, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ोगे, तो आपको इनकी properties के बारे में पता चल जाएगा, right? उसके बाद ये तो होगी कुछ short questions की बात, right? और इसके related जो भी numerical हैं, चाहे वो long है या short है, जो भी हैं, वो सारे numericals की separate video बनी हुई है. उसका link मैं आपको description box में दूंगी, right? तो आप वहां से check कर सकते हो उसको. उसके बाद बात करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद, कम टू लॉन्ग क्वेश्चंस. लॉन्ग में इट कैन बी ऑफ 4 मार्क्स आल्सो, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, जो भी आपका लॉन्ग होता है क्वेश्चन उसमें भी आ सकता है. तो उसमें बहुत सी चीजें ऐड होके भी आ सकती हैं साथ में. ओके, तो बेसिक यहाँ पे हम तीन आर्टिकल्स पढ़ते हैं इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के. तो एक तो हो गया यही एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल. ओके, तो एक तो ये वाला आर्टिकल हो गया, मतलब एक्सियल लाइन वाला आर्टिकल. एक होता है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल.
एक एक्सियल लाइन वाला हम पढ़ते हैं, एक हम इक्वेटोरियल लाइन वाला देखते हैं, और एक होता है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो इस चैप्टर में आपको एज लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग तो लास्ट 10 ईयर्स में भी या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से भी इनमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली होता है एग्जाम में, ओके, लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आपको इन पार्ट्स के साथ ऐड होके, लाइक अगर मुझे ये क्वेश्चन 5 मार्क में ऐड करना, तो मैं इसके साथ बहुत सारी और चीजें ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पूछ सकती हूँ कि क्या होता है, उसके बारे में सारा एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, उसकी फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में, या डायपोल क्या होता है, डायपोल मूवमेंट क्या होता है, तो मतलब कुछ भी इसमें से कुछ भी ऐड हो सकता है। तो बेसिकली वही बात आ गई कि शॉर्ट क्वेश्चन का भी क्लियरेंस रखो, और लॉन्ग को तो वैसे ही आर्टिकल्स तो हमने करने ही करने हैं। ये तीन आर्टिकल आर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ओके। सो इनका जो प्रूफ है लॉन्ग क्वेश्चंस का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज स्टे इन टच विद दिस चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलती रहे, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।